हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका 23 तारीख को पहली शिफ्ट का पेपर स्टार्टिंग है। 23 और 24 और 25 फिर 30 और 31, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कुछ जान लीजिए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, उससे पहले जरूरी बातें हैं। अगर एक गलती हमारी पूरी जिंदगी भर पछताने का अलावा कुछ नहीं मिलेगा, अगर एक गलती हो गई, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर देना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए, कितना स्कोर आपको करना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन गलत करने में आपको क्या दिक्कत आएगी, ठीक है, और सही करने में आप लोगों का कितना स्कोर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। सारी डिटेल आज की वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पुस्तिका जो होती है उसका अंक जो है कैसे कहां पे डाला जाता है, उसके बाद बुकलेट भरना है। सबसे पहले ओमर शीट कैसे भरे, सी सबसे बड़ी समस्या। तो देखिए, ओमर शीट भरने का तरीका आप लोगों को हम बता दें, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को कुछ बुकलेट मिलेगी जो इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको कैसे भरना है वो चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को देखें यहाँ पे परीक्षा केंद्र कोड, तो वहां पे परीक्षा केंद्र कोड अगर आपको नहीं पता है, अगर पहले बार तो एडमिट कार्ड में लिखा होता है परीक्षा केंद्र कोड, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार वहां पे एग्जाम सेंटर में आप कंफर्म कर लेना कि सर एग्जाम परीक्षा केंद्र कोड क्या है, ठीक है। तो उस तरीके से लिखना, तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, जीरो, देखो ऐसे लिखे होते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है, सब में इसी तरीके से होते 0 1 2 3 4। याद रखना हमेशा स्टार्टिंग कहां से होती है, जीरो से स्टार्टिंग होती है, जैसा कि भर्ती बोर्ड ने अपने स्पष्ट कर दिया था कि किस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है 0 1, सॉरी इसमें रेड वाले में तो ब्लैक से लिखें, ठीक है, 0 1 2 3 4, इसी प्रकार यहाँ पे भी लिखा होता है 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से लिखा। मान लो आपका परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र है आपका 0 1 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। मान लो आपका परीक्षा केंद्र ये है, तब आपको आपने ऊपर तो लिख लिया और रोल नंबर आपका है, रोल नंबर आपका मान लो कितना भी है 137, सॉरी रेड से लिखे, ठीक है, कितना भी आपका रोल नंबर है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है कैसे भरना है, ठीक है। ये गलती हो गई तो जिंदगी भर पछताओगे कुछ नहीं, कॉपी भी नहीं चेक होगी, ठीक है, 1 3 4 9 6 7 3, ये आपका रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पत्र का क्रमांक जो आपको पेपर मिलता है उसमें पड़ा होता है, ठीक है। प्रश्न पत्र का क्रमांक मान लो 13 26 28 3 6, ठीक, इस तरीके से। तो आपने ये तो ऊपर लिख लिया, ये तो ऊपर भर दिया, लेकिन आप नीचे कैसे लिखना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, जीरो, तो जीरो है, याद है जीरो है, तो जीरो के सामने वाला क्या है, जीरो के सामने वाला बोला ये इसके नीचे, 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 इसके नीचे, इसके नीचे, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा, जीरो, तो जीरो वाला बोला हमने क्या कर दिया, पूरा भर दिया, किस तरीके से, इस तरीके से पूरा भरना है, ठीक है, निशान नहीं लगाना है, ठीक है, दो गोले नहीं भरना है, क्या दो गोले नहीं भरना है, वरना कोई क्वेश्चन नहीं गलत और हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए जीरो भर दिया, यहाँ पे लिखा एक, तो एक के आगे गोला कर दिया, क्या एक के आगे गोला कर दिया, ठीक है, एक यहीं पे तो आएगा, यहाँ पे सब में नंबरिंग पड़ी होती, सब में नंबरिंग होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही में नंबरिंग, सब में नंबरिंग होगी, यहाँ पे भी देखो जीरो लिखा होगा, जीरो जीरो, ये वाला पूरा कॉलम जीरो वाला है, ठीक है, ये पूरा कॉलम एक एक वाला है, ये पूरा कॉलम दो वाला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 9 ना लो, कि 9 तक हमने बनाया नहीं, ठीक है, यहाँ पे 6 भी ना लो, यहाँ पे लिख लो 4, यहाँ पे लिख लो 2, यहाँ पे लिख लो 1, ठीक है, क्योंकि इतने नंबर भी तो हमने नहीं बनाए, ठीक है, यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ पे लिख लो 4 तक लिए हमने, ठीक है, यहाँ पे 8 ले लिए थे हमने, यहाँ पे लिख लो 4, यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ पे लिख लो 2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, हमने क्योंकि नीचे तक 4 ही तक लिया है ना, इसीलिए। चलो यहाँ पे देखो 0 है, 0 का, यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे 4 है, तो 4 वाला गोला के सामने क्या है, 4, ये वाला इसके नीचे, ये वाला भर लिया हमने 4, उसके बाद हमारे पास, उसके बाद नीचे इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 कहाँ पे, 1 के इसके सामने, तो ये वाला भर दिया, क्या इसके वाला, ये वाला 4, तो 4 यहाँ पे भर दिया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0 1 4 1 4 0 1 4 1 4, ठीक है, इस तरीके से भरना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, इस तरीके से इसमें नंबरिंग पड़ी होती है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 वाले गोला का भर दिया, पूरा भरना है गोला, उसके बाद यहाँ पे 3, 3 को वाले भर दिया,
उसके बाद यहाँ पे फोर फोर वाले को भर दिया, उसके बाद यहाँ पे वन वन वाले को भर दिया, फोर फोर वाले को भर दिया, टू टू वाले को भर दिया, थ्री थ्री वाले को भर दिया। तो ये हो गया हमारा अनुक्रमांक रोल नंबर। ठीक है, जो चीज नहीं कन्फर्म है वो चीज एग्जाम सेंटर पे पूछ लेना। यहाँ पे देखो वन, तो वन वाला भर दिया, पूरा भरना है बिल्कुल बाकायदा। थ्री है तो थ्री वाला भर दिया, टू है तो टू वाला भर दिया। देख लेना गलती नहीं हो जाए, इसमें बाइटनर नहीं लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, मिटाल सकते हैं। वन वाला भर दिया, फिर टू वाला, जीरो वन टू, जीरो से स्टार्टिंग होती है यार, रखना, वन टू से नहीं स्टार्टिंग होती। फोर थ्री टू, ठीक है, इस तरीके से पूरा गोला आपको भरना है। ठीक है, इस तरीके से आपको निशान नहीं लगाना है, इस तरीके से क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि इतना भर दो, सिर्फ इतना खाली छोड़ दो, तब भी काफी चेक नहीं होगी। ठीक है, और दो चीजें नहीं भरनी है, क्या दो दो, एक एक ही में दो 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 सामने नहीं भरना है। ठीक है, दो दो कॉलम नहीं भरना है एक ही क्वेश्चन पे। ठीक, तो इस चीजें आप लोगों को, और नीचे लिखा होता है प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला कोड, तो जो भी आपकी प्रश्न पुस्तिका हो, ए वन हो या ए टू हो, तो ए टू के सामने गोला भर दो। क्या ए टू या एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रश्न पुस्तिका दे सकती है, दे सकते हैं बोलो। ठीक है, तो चीजें आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी कैसे भरते हैं। और रही बात कि क्वेश्चन गलत करने में आप लोगों को क्या नुकसान होगा, तो मान लो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, आपने मान लो 100 क्वेश्चन किए। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपने किए, कितने 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपने किए, और 100 में से आप लोगों के मान लो 20 गलत गए, 100 में से 20 गलत गए, 100 में से 20 घटा दो जो गलत है, तो 20 घटा दो बचे आपके पास 80, और जो 20 गलत है 20 का 1/4, तो 20 का 1/4 जब हम निकाले, 1/4 माइनस मार्किंग है। ठीक है, तो घटो 4 × 5 = 20, कितना आ गया 5, तो 5 क्वेश्चन और इसमें से घटा दो -5, तो बराबर अब आपके बचे मात्र 75 क्वेश्चन सही। कितने आपने किए, तो 80 सही थे, 20 गलत थे, लेकिन जो गलत होने के चक्कर में हमारे 5 क्वेश्चन और चले गए, तो बचे आपके पास आप कितने मात्र, कितने क्वेश्चन बचे मात्र 75। ठीक है, इसी प्रकार अब आप लोगों ने सोचा होगा कि सर 75 क्वेश्चन बचे, 75 पे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको करके कितना आना है और सही कितना करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन ही करना है, याद रखना है ये चीजें हमने बार बार बताई, ऐसा नहीं 100 ही क्वेश्चन करना है, 100 कम से कम सही करना है। क्या 100 कम से कम, आपको कम से कम नहीं तो 100 सही करना है, कम से कम 100 सही करना है। ठीक है, अब आप अटेम्प्ट कितने भी करें, अगर मान लो आपने पूरे 150 अटेम्प्ट कर दिए, क्या 150 अटेम्प्ट कर दिए, 150 में से आपके देखो आपने पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, मतलब क्वेश्चन करे 150 पूरे। ठीक है, और 150 में से आपके क्वेश्चन सिर्फ 100 ठीक है, क्या 100 ठीक है, ठीक, और 50 गलत है, तो 50 आपके गलत है, तो 50 का 1/4 कितना होता है, देखो 4 × 1 = 4, 6 × 4 = 8, 4 × 5 = 20, 12.5 क्वेश्चन आपके हट जाएंगे, तो इसमें से 12.5 हटा दो, 12.5 यहाँ पे जीरो लोगे यहाँ पे। ठीक है, 12.5 जब हम हटा देंगे यहाँ 10 में से क्या बचे 5, ठीक है, यहाँ पे कितने बचे हमारे पास 9, 9 में से 2 गए कितने बचे 7, यहाँ पे भी 9, 9 में से 1 गए कितने बचे 87.5, तो क्वेश्चन आपके पास बचे कितने सही 87.7, तो 87.7 आपके कितने नंबर बन रहे हैं 87.5, 87.5। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास 100 आपने सही किए लेकिन 50 गलत थे, इसी वजह से आपके 12.5 क्वेश्चन कट चुके हैं, तो 87 में सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त। तो कम से कम अगर आप 150 अटेम्प्ट करो तो 110 सही करके आना, क्या 110 सही करके आना, 150 पूरे करो तो। ठीक है, तो इस लेवल से चलना कि आपको कितना सही करना है, कितने क्वेश्चनों में से कितने सही करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये दिमाग में आ रहा है, मान लो आप लोगों ने 120 ही अटेम्प्ट की, कितने 120 क्वेश्चन। ठीक है, 120 में से आपके 120 में से आपके 100 ठीक है, 100 आपके ठीक है, ठीक, तो बचे 20 आपके गलत है, तो 20 का 1/4 तो कितना होगा 4 × 5 -5 और कर दो, अब आपके पास क्वेश्चन मात्र बचे हैं 95 क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही स्कोर बन रहा है थोड़ा बहुत। अगर आपने 120 अटेम्प्ट करें, आपके 20 गलत भी हैं, तो भाई गलत तो हो ही जाते हैं, वो क्या करें, हमारा दिल मानता नहीं है बिना करे, हमें लगता है वहां पे कि मेरा आंसर ठीक है, लेकिन जब घर आते हैं तो देखते हैं कि आंसर मिला गलत है, क्योंकि दिमाग इस तरह से सेट हो चुका होता है हमारे दिमाग में, वही बचा होता है कि हाँ ये सही है, लेकिन गलत हो जाता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो बड़बड़ी में ना रहना, ये चीजें याद रखना, बड़बड़ी में चीजें गलत हो जाती है। तो ठीक है, तो कम से कम 120 अगर आप अटेम्प्ट करके आएंगे और 10-12 गलत भी होंगे, कोनो दिक्कत बाना है। ठीक है, 120 करके आना, अगर आप क्वेश्चन, अगर आपके 120 में से अगर 110 भी सही है या फिर 105 भी सही है, 120 में 110 105 तो बहुत अच्छा स्कोर है आप लोगों का। ठीक है, कितना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं और कितने मतलब तुक्के मारने हैं। ठीक है, तो जब तक आपके 100 का ठीक हो रहे हैं तो ज्यादा तुक्का ना मारना, लगे आपको 70-80 ठीक हो रहे हैं तो तुक्का भैया मार देना।
ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को मैंने इसलिए बताई ताकि हमारे शीट भरने का तरीका आप लोगों को पता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कितने सही करना है, इसका तरीका आप लोगों को पता लग गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन गलत करने में 0.5 मतलब आपका आधा नंबर कट जाता है। तो 20 क्वेश्चन आपने गलत किया, पांच क्वेश्चन आपके कट गए, मतलब 10 नंबर कट गए। ठीक है, 40 नंबर होते हैं ना 20 क्वेश्चनों के, तो 40 में 10 नंबर चले गए तो क्या दिक्कत है। ठीक है, 120 करके आया, अगर 100 सही है, 120 करके आया अगर आप क्वेश्चन, 110, 105 भी अगर आपके सही है एक्चुअल, तो आपका अच्छा स्कोर है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। और एक चीज महिलाओं के लिए एक चीज और बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में, ये बता दूंगा तुक्का कैसे मारना। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, चलता हूं। चीजें कैसी लगी, सब कुछ समझ में आया? रही बात आधार कार्ड, जिसका भी आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उसका क्रॉस का निशान आ रहा होगा। ठीक है, उसका क्रॉस का निशान आ रहा होगा, क्या नाम, आधार कार्ड लिंक नहीं है तो क्या नाम, रेड रेड लिखे आ रहा होगा। ठीक है, तो रेड रेड आप लोगों को क्या लिखे आ रहा होगा, क्या लिखे आ रहा होगा, वो चीज भी एक बार कंफर्म करा दूं आप लोगों को। ठीक है, आधार कार्ड अगर आपका गलत होगा, और हाँ याद रखना वो चीजें। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखा रहा है, ई केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित है, ई केवाईसी रिक्वायर्ड एट एग्जाम सेंटर। ठीक है, अगर आपका सही है तो आधार कार्ड प्रमाणित, तो ग्रीन लिखे आएगा। अगर आपका आधार कार्ड सही लगा है उसमें तो ग्रीन प्रमाणित लिखे आएगा, ग्रीन कलर का। ठीक है, आधार प्रमाणित, नहीं प्रमाणित है तो ई केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित है, ये लिखे आएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास आने वाली है मैराथन रीजनिंग की, जरूर देखना। ठीक है, जय जवाब।